मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन किया था जिसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीखी थी, और उसमें मुख्य रूप से जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो एक्स बार यदि दिया हुआ हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उसके बारे में था। आज हम देख रहे हैं मीडियन यदि आपको दिया हुआ हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के प्रश्न में मीडियन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, मीडियन के बेस पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रुप है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, फ्रीक्वेंसी 2, 8, 6 क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप ए मान सकते हैं, 15 और 10, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इस ए यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मीडियन आपको एज अ हिंट दिया हुआ है, तो मीडियन के बेस पे इसको सॉल्व किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, तो लिखिए ग्रुप, तो ग्रुप में आपके हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 to 70। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 8, 6 क्वेश्चन मार्क था ना, वहां पे आप ए लिख देंगे। फिर उसके बाद में 15 और 10, इसकी टोटल लगाएंगे तो प्लस ए तो लिखना ही है, आगे की टोटल कितनी आती है बताएं, 41 प्लस ए, ये फ्रीक्वेंसी के टोटल आ गए। अब देखो आप लोगों को पता है चूंकि मीडियन हिंट में है तो मीडियन को सॉल्व करते हैं, तो मीडियन के लिए अपने को केवल सी एफ चाहिए होती है, तो सी एफ बनाएंगे 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में ए जोड़ेंगे तो 16 प्लस ए, फिर 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31 प्लस ए, और 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41 प्लस ए, ये आपके इस तरीके से सी एफ बन जाएगी। अब प्रश्न में आपको मीडियन दे रखा है तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको लेना होता है स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू टी एच। अब यहाँ पे मीडियन ग्रुप कौन सा है ये अपने को पता करना है सबसे पहले, है ना। तो मीडियन ग्रुप आपके जो ये आंसर दे रखा है मीडियन का 50, जिस ग्रुप में 50 आता है वो ही मीडियन ग्रुप होगा, तो 50 to 60 में आता है, सही है ना, क्योंकि ये तो काउंट नहीं होता है, यही होएगा, तो 50 to 60 इस ग्रुप में आता है तो ये आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लें, मीडियन 50 आता है इसलिए ये कौन सा हो गया मीडियन ग्रुप, ठीक है। ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इससे ऊपर ये जो है ये सी हो जाएगा, ठीक है सारी बातें। अब यहाँ पे स्मॉल एम अभी कैलकुलेट करना बाकी है, तो उसमें एन का मतलब हो गया 41 प्लस ए बट्टे 2, ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें हम भाग नहीं दे पाएंगे, इसमें भाग नहीं दे पाएंगे तो हम मीडियन ग्रुप भी नहीं निकाल पाएंगे, और वो निकालने की जरूरत इसीलिए हमने पढ़ी कि हम इसी से ही मीडियन ग्रुप को पकड़ लेंगे, आंसर से ही जो हमें दिया हुआ है, इससे मीडियन ग्रुप पता नहीं चलेगा, तो ये तो केवल स्मॉल एम हो गया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, स्मॉल एम एज प्रोसेस निकाला, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, इसमें भाग देने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 41 प्लस ए बट्टे 2 है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना, भाग देंगे तो छोटा जरूर हो जाएगा, बाकी इसमें चेंज कोई नहीं आएगा, तो ऐसा भी पड़ा रहने दे सकते हैं। और इधर हमने ग्रुप मार्क कर ही लिया है, ये ग्रुप हमने मीडियन के आंसर से ले लिया है, ये F है और इससे ऊपर ये C है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, तो लिखिए M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। मीडियन आपको दे रखा है 50, L1 हमने कहा 50 प्लस इंटरवल है 10, F है 15, ये रहा, और स्मॉल एम हमने अभी निकाला 41 प्लस
ए बटे दो माइनस सी क्या है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 16 प्लस ए बटे कुछ नहीं है, ये तो 16 प्लस ए रह जाएगी, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर दो, ये जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट बना दो, सही है ना। स्मॉल m की जगह स्मॉल m लिख दिया, c की जगह पे 16 प्लस a है, ये रहा c, 16 प्लस a लिख दिया, कोई दिक्कत बच्चों लिखने में। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर आपके हो जाएगा जीरो, जो 50 इधर प्लस का था इधर से आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो जीरो, जीरो इज इक्वल टू 10 बट्टे 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के लिए आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम इसमें कुछ नहीं है तो बट्टे एक मानेंगे, लघुत्तम आएगा दो, दो का दो में पहले भाग देंगे तो भाग देने से एक आएगा, एक को 41 प्लस ए से गुणा करेंगे तो 41 प्लस ए ही रह जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस का निशान है इसलिए माइनस रहेगा, फिर एक का भाग दो में देंगे तो दो बार जाएगा, दो को 16 से गुणा करेंगे तो 32, ये प्लस का निशान चूंकि बाहर माइनस का निशान है तो बदल जाएगा, तो माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है ये बात। अब फिर आगे अभी सॉल्व करना बाकी है, 10 बट्टे 15 यहां कोई निशान नहीं है इसका मतलब इनटू ही रहेगा, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 41 में से 32 घटा दो 9, प्लस का a है और माइनस का 2a है, माइनस a बट्टे 2 हो गया यहां तक सॉल्व। अब ऊपर वाले की संख्या ऊपर वाले से करा दो, नीचे वाले की संख्या से नीचे वाले की गुणा करवा दो, तो 0 इज इक्वल टू 90 माइनस a और नीचे 30, सही है, तो 30 को इधर से गुणा करा देंगे तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, 0 बराबर हाँ 10 a होगा क्या, अच्छा 10 a कर दो, ठीक है यहाँ पे सही है 10 इंटू ए होएगा ना, यहाँ पे 10 ए हो जाएगा। अब 30 को इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 90 माइनस 10 ए हो गया, 0 इज इक्वल टू। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 90 किधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, या आप चाहे तो 10 ए को इधर ले जाओ, ये आप अपनी सुविधा से कैसे भी कर सकते हो, 10 ए को उधर ले लेते हैं तो ये 10 ए उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9, आंसर दिया हुआ है, सेम आंसर आता है। अब देखो बच्चों इसमें है ना एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने ऐसा तरीका यूज किया जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों को लगता है सर हम इस ये चीज है ना ये हम खुद अपने पुराने रूल से खुद सॉल्व कर सकते हैं, कि सर हम पहले क्या है कि इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे गुणा कर लेंगे या इसमें इसको आधा कर देंगे, जो भी आप अपने सुविधा से आके यहां से ये इक्वेशन लिखने के बाद में आप अपने दिमाग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये मैथ्स का पार्ट है। मैंने तो अपनी सुविधा से जो मुझे समझ में आया वैसे वैसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते बढ़ाते ऐसे करवा दिया, आप लोग इससे भी आसान तरीका कोई लगता है तो कर सकते हैं, ठीक है भैरव जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव जी क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, और इसमें आपके देखो दिया हुआ है इफ मीडियन इज 50, तो मीडियन दिया हुआ है यानी अपना एक हिंट हो गया ये, फिर दूसरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम एन बोलते हैं वो अपना सेकंड हिंट हो गया, अपने को कैलकुलेट करना है मिसिंग वैल्यू, इसमें आप देखो मिसिंग वैल्यू एक और एक दो दे रखी है तो इसको ए लिख देंगे और इसको बी लिख देंगे, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसीलिए मिसिंग में आपके क्या करते हैं दो हिंट दे दिए प्रश्न में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी की टोटल है वो आपके 100 आती है, ठीक है मेरे बच्चों। अब आप इसे सॉल्व करें, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, तो ग्रुप आपका लिखना है 0 से 20,
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। उसके बाद में आपको अगला लेना है फ्रीक्वेंसी 14 ए, 24 बी, 16 और टोटल 100। एन इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब आपको सी एफ लेना है। सबसे पहला काम 14, फिर 14 प्लस ए, 14 और 24, 38 प्लस ए, 38 प्लस ए प्लस बी, 54 प्लस ए प्लस, ये सी एफ हो गया। मीडियन लेना है इसलिए केवल सी एफ बनेगा, मिसिंग ये मिड वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकाले। सी एफ आने के बाद में अपना स्टेप पहला है स्मॉल एम बराबर एन बट्टे दो। तो एन है 100, 100 बट्टे दो बराबर 50 टी एच। ग्रुप जो मीडियन ग्रुप है वो कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने आप लोगों से कहा आंसर से ही निकलेगा। मीडियन कितना आंसर दे रखा है 50, तो 50 कौन से ग्रुप में आता है तो उसको अंडरलाइन कर लो। 40 टू 60 में आता है, ये आपका मीडियन ग्रुप हो गया। ये L1, ये F और ये इससे ऊपर C। यानी जब भी मिसिंग का क्वेश्चन हो और मीडियन के बेस पे दे रखा हो तो आपको क्या करना है आंसर से ग्रुप में जाना है, ठीक है। अब उसके बाद में मेन फॉर्मूले से आएंगे अब सारी बात। सबसे पहला पार्ट M इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी। 50 एल वन है 40 प्लस इंटरवल है 20 का अपॉन एफ है 24 स्मॉल एम है 50 माइनस सी है 14 प्लस ए, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और इसको बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलती होगी ये भी मान के चलो, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो निशान नहीं बदलेगा और निशान नहीं बदलेगा तो गलती हो जाएगी। अब आप 40 को इधर ले आओ तो 10 बचेगा, 20 बट्टे 24 ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 50 माइनस 14 अंदर का निशान बदलेगा तो माइनस ए, ये आपका ब्रैकेट आ गया। 50 में से 14 जाएंगे। अब देखो इसमें इधर दोनों साथ में करते हुए चलते हैं, इसको इधर ले जाओ गुणा करनी है 240, 240 बराबर 20 ब्रैकेट में आपके 50 में से 14 गया 36 माइनस ए, सिंगल लाइन में हो गया सारा। 20 को इन दोनों से गुणा करवानी पड़ेगी, इससे भी और इससे भी, तो गुणा कराएंगे तो 240 कितना होता है 720 माइनस 20 ए। तो अब आपके इसमें आगे सॉल्व करेंगे, 20 ए को इधर ले जाओ और 240 को इधर ले आओ, ये दो काम कर लेंगे हम। 20 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 20 ए 720 माइनस 240 तो ए बराबर 480 बट्टे 20 कितना होता है 24। ए इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 24। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, एक आंसर आ गया। अब अपने पास यहाँ पे बोर्ड पे देखें एक बार ऊपर, यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये बनी हुई है 54 प्लस ए प्लस बी और इसकी टोटल कितनी है 100 है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 54
प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू कितनी है 24, तो 54 + 24 + b = 100, ये दोनों उस तरफ ले जाएंगे है ना, दोनों, तो b बराबर 100 माइनस 54 माइनस 24 इज इक्वल टू 22। ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपके दोनों आंसर आ गए, ए बराबर 24 और बी बराबर 22। ये आपका आंसर हो गया, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करी। इसमें हमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी दोनों, क्यों, क्योंकि पहली ही फॉर्मेट में आपका ए का आंसर आ गया था, तो ए का आंसर आ गया तो दोनों इक्वेशन को मिलाने वाला पार्ट इसमें नहीं आया। ठीक है घर बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखो, एक तो मीडियन दे रखा है m 27 और एक मोड दे रखा है यानी z 26, और आपसे कहा है कि आप ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो m और z दोनों दे रखे हैं, दोनों के कंबाइंड दो हिंट चाहिए, मैंने आप लोगों से ये बात कही है, दो हिंट होंगे तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें m और z दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस क्वेश्चन को। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम वर्टिकल फॉर्म में ले लेते हैं इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद में इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी में 3 ए 20 12 और बी। इसमें कॉलम के नाम पे केवल सी एफ ही बनेगा, क्योंकि जेड के लिए तो कोई ग्रुप आपकी कॉलम होता ही नहीं है, तो सी एफ बनेगा, तो 3 प्लस ए 23 प्लस ए जुड़ता जाएगा, 23 में 12 जोड़ो 35 प्लस ए, और लास्ट 35 प्लस ए प्लस बी हो गया। अब आप लोगों को जो दिया है, पहले हम m को सॉल्व कर लेते हैं, तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, तो n है 35 प्लस ए प्लस बी बट्टे 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 35 प्लस ए प्लस बी बट्टे 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इसको डिवाइड से हटा सकते हैं, 17.5 प्लस 0.5 0.5 ए 0.5 बी कर सकते हैं, या आप इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। ठीक, फिलहाल मैं इसको एज इट इज पढ़ा रहने देता हूँ। ओके, ये आपका स्मॉल m हो गया। अब उसके बाद में मीडियन ग्रुप तो इससे मिलेगा नहीं, तो मीडियन ग्रुप आंसर से पकड़ना है, तो मीडियन आपके 27 है, तो 27 जिस ग्रुप में आता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये आपका L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इससे ऊपर ये C हो जाएगा। ये हमने जो 27 आंसर है वो 20 से 30 के बीच में आता है, तो उससे हमने मीडियन ग्रुप ले लिया है, कोई दिक्कत प्यार बच्चे। अब आप लोगों को करना क्या है, m सॉल्व करना है पहले, तो m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C, ये पूरा सॉल्व करना है। m बराबर कितना लिया हमने, हाँ बेटा 27, ये गिवन है। L1 कितना होगा, 20 प्लस इंटरवल 10 अपॉन F, हाँ 20, ये देख लो एक बार आपको, ये रहा 20F है, और स्मॉल m हो गया 35 प्लस a प्लस b बट्टे 2 माइनस c कितना है, 3 प्लस a अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे,
और ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत अच्छा ये हम अभी तक करते आए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां से यहां तक हो। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है बस, तो इसको इधर लाएंगे, सेवन टेन अपॉन ट्वेंटी, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आया दो, दो का दो में भाग जाएगा तो सेम ही रह जाएगा, पैंतीस प्लस ए प्लस बी माइनस एक का दो में भाग देंगे तो दो बार, तो दो को गुणा करेंगे तीन से, छ माइनस दो ए, क्योंकि एक का दो में भाग दो बार जाएगा, दो को ए से गुणा करेंगे तो दो ए हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको इधर गुणा करवा दो और इस दस को इस पूरे से सभी से ऊपर वालों से गुणा करनी है, केवल ऊपर वालों से, तो गुणा करेंगे तो 20 इंटू सात 140, 10 इंटू पैंतीस 350 प्लस 10 ए प्लस 10 बी माइनस 6 इंटू 10 60 माइनस 2 इंटू 10 20 ए हो गया। बट्टे में दो था, पूरे में दो, ये दो इधर ले जाओ, तो अब आपका एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, 280 340 इंटू दो बराबर 350। अब 350 में से आप चाहे तो ये 60 अभी घटा दो, ठीक है ना, तो घटा के लिख देते हैं ताकि ये काम हल्का रहेगा, कितना होता है 290 प्लस 10 ए और 20 ए है तो 10 ए कम हो जाएगा 20 में से, तो माइनस का 10 ए रह जाएगा, सही है ना, तो प्लस शब्द हटा के यहाँ पे आप लिख दो, माइनस 10 ए प्लस 10 बी हो गया ना, एक तो ये संख्या कम हो गई और एक ये कम हो गई, तो पांच संख्याएं थी, पांच में से दो कम हो गई, तीन रह गई, सही है। यहां तक किस किस को समझ में आया, हाथों पर कर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। डिवाइड में कौन है, खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अब टू तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब कुछ नहीं है, सिंगल लाइन में आ गया, ए और बी की संख्याएं इस तरफ ले जाएंगे और ये इधर ले आएंगे, ये काम और कर लेंगे, तो ये इस तरफ ले आएंगे दोनों, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 ए माइनस 10 बी बराबर 290 माइनस 280, तो 10 ए माइनस 10 बी बराबर 10, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत अच्छा, ये M से जो हमारी इक्वेशन बनी वो है। अब हमें Z से भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको आप बॉक्स में बंद कर लें या पहली इक्वेशन हो जाती, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रश्न में Z दिया हुआ है, मोड इज 26, तो मोड 26 है तो वो भी इसी ग्रुप में आता है 20 से 30 में, तो ये मोड ग्रुप हो गया, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया, सही है, और L1 ये रहेगा ही। तो सबसे पहले अपने को डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा 1 होगा 20 माइनस ए F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 होगा F1 माइनस F2 यानी 20 माइनस 12, सही है ना, तो इसको नीचे लिखते हुए चलता है, देखो तो सबसे पहले अब Z को सॉल्व कर रहे हैं, तो डेल्टा 1 F1 माइनस F0, तो 20 माइनस क्या करना है A, सही है, और डेल्टा 2 क्या है F1 माइनस F2, 20 माइनस 12 बराबर 8, तो ये तो एज इट इज रहेगा 20 माइनस A और वो हो जाएगा 8,
अब आपको जेड का फॉर्मूला लगाना है, जेड इज इक्वल टू एल वन प्लस डेल्टा वन बटे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। जेड बराबर 26 था क्या? हाँ बेटा, 26 इज इक्वल टू एल वन कितना है 20, डेल्टा वन कितना है 20 माइनस ए बट्टे 20 माइनस ए वापस प्लस 8, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो गया इंटू 10। अब आप इसे सॉल्व करना है, इस 20 को इधर ले आओ, इस 10 को इस पूरे से गुणा कर दो, पहले स्टेप में यह काम कर लो। तो 20 को इधर लाए तो 20 26 में से 20 गया 6 बराबर, इस 10 को इस पूरे से गुणा होगे तो 10 इंटू 20 200 माइनस 10 ए, नीचे कुछ भी नहीं किया तो वो सेम रहेगा 20 में से ये 8 जो है वो घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं जो भी, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो जुड़ जाएगा, तो 28 कर दो, 28 माइनस ए। सही है, सही है, 20 में 8 जुड़ जाएगा ना, दोनों प्लस के है तो 28 हो जाएगा माइनस ए। अब इस पूरे की गुणा किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी, तो 26 इंटू 28 कितना होता है 168 माइनस 6 ए बराबर 200 माइनस 10 ए। सही है, हाँ बोलो, सही है ना। अब क्या करना है, ये जो ए वाली संख्या है 10 ए उसको तो इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो माइनस 6 ए प्लस 10 ए बराबर 200 माइनस 168 168। अब आप इसे फिर से सॉल्व करेंगे, प्लस का 10 है ये 6 माइनस का है तो 4 ए बराबर 32, तो ए बराबर 32 डिवाइड बाय 4 कितना आता है 8। ए का आंसर आपके पास 8 आ गया, कोई दिक्कत है बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक आंसर 8 आ गया, अब आपको बी का वैल्यू लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है ये रहा, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, तो मैं नीचे लिखता हूं, बोलना तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, टेन ए माइनस टेन बी टेन। अब इसमें हम इस ए का वैल्यू डाल देंगे तो 10 इंटू 8 माइनस 10 बी बराबर 10, 8 इंटू 10 80 होता है और ये जो 80 होगा उसको उस तरफ ले जाएंगे, सही है, तो माइनस 10 बी बराबर 10 माइनस 80, तो माइनस 10 बी बराबर माइनस 70, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर 70 बटे 10 यानी 7, ए बराबर 8 और बी बराबर 7, ये आपके आंसर आएंगे, ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज इक्वल टू 7। किताब में आंसर दिया हुआ है, हाँ बेटा, बस ये इतना ही सवाल है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।